नमस्कार, एक नए क्रोशे के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी शॉल करना सिखाऊंगी। बहुत ही अलग प्रकार की शॉल है ये, क्योंकि इसका पैटर्न ऐसा है कि ये देखिए यहाँ पे छेद है और उसमें से शॉल का दूसरी बाजू आप इसमें से डाल सकते हैं। तो ये है हमारी ऊन और 6 नंबर की सुई से मैंने इसको बुना है। ग्रीन टी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रंग है, और रंग की संख्या, रंग का नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऊन को आप बस हैंड वॉश कर सकते हैं। इसमें 80% एक्रिलिक है और 20% ऊन है। तो चलिए बुनना शुरुआत करते हैं। तो अब मैंने ये जो बुन लिया है इस टाके को नहीं पकड़ेंगे, ये छोड़ के हम 135 टाके आप यहाँ पे बुन लेंगे। ये देखिए इतनी लंबी होगी हमारी शाल। तो 135 टाकों के बाद अब पैटर्न कैसे बुनना है ये देखिए। ये मैंने धागा ले लिया सुई में, एक छोड़कर दूसरे टाके में आपको सुई डालनी है और धागा लेके उसमें से इस तरीके से निकाल देना है। अब 3 धागे हैं सुई पे, फिर से सुई में धागा लेके तीनों धागों में से सुई को, उस धागे को बाहर निकाल देना है। तो इसी तरीके से फिर से सुई में धागा लेके आपने धागा निकाला, 3 धागों में से फिर से आपको ये धागा निकालना है। और इसी तरीके से आपको आगे बुनते जाना है, पूरा पैटर्न इसी तरीके से बुनना है। बस ये याद रखिए बुनते वक्त कि ये जो है पूरी लाइन ये पलट ना जाए, क्योंकि अगर ये पलट गई तो पूरी शाल आपकी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। तो अंत तक आपको बुनते वक्त इसका ध्यान रखना है कि ये इसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो अब ये देखिए मेरी एक पहला राउंड तो हो गया, अब मैं दूसरे राउंड की शुरुआत करने जा रही हूँ। वैसे देखा जाए तो दूसरा नहीं, ये तीसरा राउंड है। हमारे पास अभी 52 टाके होंगे, 152 टाके बोलना है मुझे, और तीसरी जो पंक्ति है वो हम बुनेंगे। 2 टाके बुन लिए मैंने, पलट लिया और अब हम आगे बुनेंगे। हमको हम आपने देखा होगा मैंने पहले ही टाके में सुई डाल के बुनने की शुरुआत की थी, और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही बुनते जाना है। आप ये ध्यान रख सकते हैं या आप ये देख सकते हैं कि मैं कैसे बुन रही हूँ। एक बार आपको समझ में आ जाए कि मैं कैसे बुन रही हूँ तो बिल्कुल आसान नहीं है, यह बहुत आसानी से और जल्दी से क्रोशे किया जा सकता है। तो हम अंत में आ गए फिर से, और अब 1 धागा ले लिया मैंने, ये दूसरा धागा पलट लिया और मैं फिर से चौथी पंक्ति जो है वो पूरी कर दूंगी। उसी तरीके से फिर से आपको बुनना है। आपको वो बुनना जब चौथी पंक्ति, अब ये देखिए हो गई है बुन के, 1 धागा ले लिया मैंने और फिर पलट के यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ बुनना।
कहाँ पे एक धागा लेना है और कहाँ पे दो धागा लेके पलटना है ये आप ज़रूर देखिए और उसी तरीके से सारी पंक्तियाँ बुनिए। इसी तरीके से आपको छठी और सातवीं पंक्ति बुननी है। तो छठी और सातवीं पंक्ति होने के बाद देखिए आप क्या करेंगे। ये देखिए आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। अब ये देखिए एक धागा ले लिया मैंने और पलट लिया। वैसे ही बुनना है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। और फिर से मेरी ये भी लाइन पूरी हो चुकी है, ये भी पंक्ति पूरी हो चुकी है। फिर से एक बार मैंने एक टाका लेकर उसको घुमा दिया है। अब देखिए फिर से उसी तरीके की बुनाई हो रही है। अब हम बीच में आ गए हैं। अब हमको क्या करना है वो देखिए। अब मैं 16 टाके यहाँ पे ले रही हूँ। ये 16 टाके मैंने बुन लिए और अब इनको कहाँ पे बुनना है, जोड़ना है वो देखिए। यहाँ से मैं 16 टाके गिनूंगी। यहाँ पे 16 टाके जैसे आपने देखा अभी, तो जहाँ पे 16 टाके हैं अंत होते हैं 17वें टाके पर, आप इसको इस तरीके से जोड़ दें। और आगे वैसे ही बुनाई करनी है आपको। तो इस तरीके से ये अंत तक बुनाई हो गई। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे 16 टाके को आपको बोला था, ये यहाँ पे जो मैंने पहले दिखाया था छेद, ये छेद यहाँ पे है जिसमें हम शाल का दूसरा भाग डाल सकते हैं। बहुत ही आसान है बुनने में ये छेद, आप देख सकते हैं, और कुछ अलग पैटर्न हो जाता है। फिर से वैसे ही बुनाई जैसे पहले मैंने सारी पंक्तियों में की थी, बस कहाँ पे दो टाके लेके घुमाना है और कहाँ पे एक टाका लेके घुमाना है, ये आपको अगर समझ में आ जाए या आप इस वीडियो में देखें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही मैं बुनती जा रही हूँ और एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाए कि कैसे बुनना है। ये देखिए एक टाका लेके मैंने यहाँ पे घुमा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पैटर्न ध्यान में आ गया तो बहुत जल्द ही और आसान तरीके से बुनाई हो सकती है। तो यहाँ पे मेरी शाल बुन के ख़त्म हो गई है। मैंने धागा तान के कैंची लेके धागे को काट दिया है। इस तरीके से मैंने धागा तान लिया। अब बस इतना ही रह गया है कि शुरुआती और अंत का धागा सिया जाए। वो धागा सीने के बाद शाल तैयार है।
मैंने ये छेद में से शाल का दूसरा भाग जो है, दूसरा अंत में जो है वो यहाँ से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं जैसे आपको गर्दन में, गर्दन पर चाहिए उस तरीके से आप इस शाल को ढीला रख सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर ठंडी है तो आप इसका ज़्यादा ओढ़ के ले सकते हैं। कुछ अलग पैटर्न, कुछ नया पैटर्न, मुझे आप बताइए आपको ये तरकीब कैसे लगी, आपको ये शाल कैसे लगी, आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, और आप क्रोशे में क्या देखना चाहेंगे सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। ऐसे बहुत सारे दिलचस्प क्रोशे के वीडियोस हैं, वो भी देखते रहिए है।